अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फैराडे लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ सर्किट इज चेंज, देयर इज़ एन EMF इंड्यूस इन द सर्किट। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। यानी जब कभी भी किसी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उस सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है, और ये जो EMF होती है इसकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है जितना उस सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, प्लस साथ में हम इसके नेगेटिव साइन भी लेते हैं। अच्छा, नेगेटिव साइन हम क्यों लेते हैं? जो नेगेटिव साइन है ये लेंज़ लॉ को शो करता है, और लेंज़ लॉ हम इसके बाद स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें, E = -ΔΦ/ΔT। डेल्टा फाई जो है ये शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, ई आपके पास EMF है, और EMF क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, और जो नेगेटिव साइन है ये लेंज लॉ को शो कर रहा होता है। अभी जो हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना स्टडी किया था, उसके अंदर हमने मैथमेटिकल रिलेशन देखा है E = -ΔΦ/ΔT। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि आपके पास ये रिलेशन किस तरह से ड्राइव होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल बी प्लेस्ड ऑन टू हॉरिजेंटल रेल सी एंड डी विच आर कनेक्टेड थ्रू गल्वानोमीटर आर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के अंदर ये जो क्रॉस हैं ये शो कर रहे हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने दो रेल्स रखी हैं, हॉरिजेंटल रेल्स दैट इज़ सी एंड डी। इन्हीं दोनों रेल्स को हमने अटैच कर लिया गल्वानोमीटर के साथ, और इसके ऊपर हमने एक कंडक्टर रॉड जिसकी लेंथ ए बी है इसको मूव करवाना है हॉरिजेंटली। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इस रॉड को मूव करवाया और इसको हम आगे नेक्स्ट इसकी पोजीशन जब चेंज होगी तो उसको मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया हुआ है, और यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है डेल्टा एक्स शो कर रहा है कि यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास ए बी है और साथ में एक कंडक्टिंग रॉड है डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है, इसका जो सेंट्रल पोर्शन होगा दैट इज़ डेल्टा ए, यानी कि इसका एरिया यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन की हुई है। तो यहाँ पर आप देखें, लेट द रॉड बी डिस्प्लेस थ्रू हॉरिजेंटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी विद वेलोसिटी वी, सो फ्लक्स ओवर द लूप ए बी सी डी चेंजेस एंड इंड्यूस EMF इज इंड्यूस इन इट विच प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड को डिस्प्लेस करेंगे ए बी पोजिशन से नेक्स्ट पोजिशन जहाँ पे आपने डेल्टा एक्स के थ्रू इसको शो किया हुआ है जो अभी मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे जो आपके पास एक लूप बन रही है ए बी सी डी हॉरिजेंटल लूप, तो इसका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। अब जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा आपके पास E = ΔV। और यहाँ पे अब अगर हम पोटेंशियल निकालें तो जो इस रॉड के बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा दैट इज़ VB, और जो ए पॉइंट के ऊपर होगा दैट इज़ VA। तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस हो रही है वो इक्वल आएगी ΔV, और ΔV होता है आपके पास VB - VA, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और फ्री चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। अब इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर हैं ये आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, तो यहाँ से हमने इसका जो रिलेशन निकाला है दैट इज़ F = Q × V×B। अब यहाँ पे देखें, जब हम क्रॉस को ख़त्म करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम फील्ड ले रहे हैं कि ये आपके पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट इज़ 90 डिग्री, और साइन 90 आपके पास इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हमने जो इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव की है वो आएगी आपके पास F = Q × VB। चार्ज इन साइड द कंडक्टर मूव्स फ्रॉम ए टू बी अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स F = QE। अब यहाँ पे देखें, जो हमने कंडक्टर लिया हुआ है जिसकी लेंथ हमने ए बी है, ए बी कंसिडर की हुई है, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्या हुआ था कि हमने जब इस रॉड को मूव करवाया इन रेल्स के ऊपर, तो मूव करवाने की वजह से क्या हुआ था, फ्लक्स चेंज हुआ, और जब फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे
ईएमएफ इंड्यूस हुई, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है इसकी वजह से आपके पास इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चार्ज कैरियर था क्यू, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल आएगी हमारे पास एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के इक्वल, दैट इज़ एफ इक्वल्स टू क्यू ई, और इसको आपने इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन टू और थ्री को कंबाइन कर लेना है। इक्वेशन टू आपके पास आई थी एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, और इक्वेशन थ्री है एफ इक्वल्स टू क्यू ई, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर होगी मैग्नेटिक फोर्स के। तो यहाँ से आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लिया। अब क्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट इज़ ई इक्वल्स टू वी बी, इसे आपने इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे दिया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो यहाँ से आप देखें जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके लिए जो रिलेशन आएगा दैट इज़ माइनस डेल्टा वी ओवर एल के इक्वल। और इक्वेशन नंबर वन में हमने ये प्रूव किया था कि जो डेल्टा वी है ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डेल्टा वी को चेंज करके इसको लिख लेना है माइनस ई के इक्वल। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फाइव आएगी दैट इज़ ई इक्वल्स टू माइनस ई ओवर एल। यहाँ पे जो आप ले रहे हैं जो कैपिटल ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो स्मॉल ई है दैट इज़ ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको आपने इक्वेशन नंबर फाइव का नाम दे दिया। पुटिंग इक्वेशन फाइव इन फोर वी हैव, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर फाइव को यूज़ करना है इक्वेशन नंबर फोर के अंदर। इक्वेशन नंबर फोर थी आपके पास ई इक्वल्स टू वी बी, और यहाँ पे आपने ई की वैल्यू फाइंड आउट की दैट इज़ माइनस ई ओवर एल। तो इक्वेशन नंबर फोर के अंदर आप यूज़ करेंगे माइनस ई ओवर एल इक्वल्स टू वी बी, और एल को दूसरी साइड पर ले जाएँ तो ई आएगा आपके पास माइनस वी एल बी। अब देखें यहाँ पर जो वी है, वी इज़ द वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ हम उस कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं हॉरिजेंटल रेल्स के ऊपर, तो वो इक्वल होगी दैट इज़ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपने वी को पुट कर दिया डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू एल बी। अब यहाँ पे जो आपके पास एल बी है ये डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो डेल्टा एक्स इंटू एल है दैट इज़ डेल्टा ए विच इज़ द एरिया ऑफ द लूप। ई इक्वल्स टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स और एल था इसको आपने डेल्टा ए पुट कर लिया। अब ये जो ऊपर इक्वेशन है जहाँ पे हमने एरिया ऑफ द लूप लिखा हुआ है, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है इसके साथ एल और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो डेल्टा टी है ये इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स एल को डेल्टा ए पुट कर लिया, और आ जाएगी इक्वेशन आपके पास ई इक्वल्स टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, विच कैन बी रिटन एज ई इक्वल्स टू माइनस बी डॉट डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, यानी कि इसको हम डॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जो आपके पास बी डॉट डेल्टा ए है दैट इज़ डेल्टा फाई, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक इससे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो अब आपने क्या कर लेना है कि जो बी डॉट डेल्टा ए है इसको आपने डेल्टा फाई पुट कर लिया। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास लास्ट पे रिलेशन आएगा ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दिस इज़ द फैराडे लॉ। अब स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास एन नंबर ऑफ लूप हैं किसी भी कॉइल के ऊपर, तो तब आपने क्या करना है, इस फार्मूला को चेंज कर लेना है। और अगर एन नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला आएगा दैट इज़ ई इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, आप इसको नोट कर लें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।